आज का दिन कई मायनों में काफी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि आज के दिन शनि अमावस्या पड़ रही है और ऐसा माना जाता है कि शनि अमावस्या के दिन शनिदेव काफी ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। और वैसे भी आप जानते ही हैं कि शनिदेव को तो न्याय का देवता भी कहा जाता है, साथ ही न्याय का नाता धर्म के पालन से होता है और अच्छे बुरे कर्म भी न्याय का आधार होते हैं। वहीं शनिदेव अपने भक्तों को मनचाहा फल जरूर देते हैं और ये जिससे भी बहुत ज्यादा प्यार और प्रेम करने लग जाते हैं तो उनका कल्याण भी तय हो जाता है। लेकिन याद रहे, अगर शनि महाराज किसी से क्रोधित हो जाएं, गुस्सा हो जाएं, तो उसका सर्वनाश भी कर देते हैं। जिनके ऊपर शनिदेव का हाथ रहता है उनको कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं रहती है और वो अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करके अपना परचम भी लहराते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा ही अब कुछ हो रहा है। आज शनि अमावस्या का दिन है और शनि अमावस्या पर शनि भगवान काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके चलते एक ऐसा अद्भुत संयोग भी बन रहा है जो इन राशियों के लिए अब काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। उन राशि के जातक अपने आप को अब काफ़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे पर पाते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं शनि महाराज के संपूर्ण आशीर्वाद से इनको अब बहुत कुछ आसानी के साथ प्राप्त भी हो जाएगा। वहीं जो लोग बहुत कम मेहनत कर रहे हैं उनको भी कम मेहनत का भरपूर फल ज़रूर मिलेगा। विदेश में कारोबारियों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ समय है, यानी कि विदेशी कारोबार भी इनका काफ़ी तेज़ी से चलने वाला है और इनका कल्याण होने से अब ज़िंदगी में कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं उन तीन राशियों के बारे में। वो राशि हैं धनु, कन्या और मीन राशि। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।